आइए फ्रेंड्स, मैं आपको सिखाऊं एक शानदार टॉपिक जिसे अक्सर आपको अपने डेली लाइफ में बोलना पड़ता है। यानी अक्सर आप अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जहां आप कहते हैं, ठंडी के मौसम का फायदा उठा लो या गर्मी के मौसम का फायदा उठा लो, इस छूट का फायदा उठा लो, उसकी मजबूरी का फायदा मत उठाओ, या मेरी कमजोरी का फायदा मत उठाओ, उसकी मासूमियत का फायदा मत उठाओ। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस है जहां आप कहते हैं फायदा उठा लो या फायदा मत उठाओ को बोलने के लिए आप इन दोनों टॉपिक्स का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, आइए इस बात को एग्जांपल्स में बेहतर तरीके से समझें। अगर आपको कहना हो ठंडी के मौसम का मजा उठा लो या फायदा उठा लो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे मेक द मोस्ट ऑफ विंटर सीजन, यानी ठंडी के मौसम का फायदा उठा लो। अगर आपको कहना हो गर्मी के छुट्टियों का फायदा उठा लो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे मेक द मोस्ट ऑफ समर वेकेशन, यानी गर्मी के छुट्टी का फायदा उठा लो। अगर आपको कहना हो अपनी तजुर्बा का फायदा उठा लो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे मेक द मोस्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस, यानी अपने तजुर्बे का फायदा उठा लो। अगर आपको कहना हो अपनी हुनर का फायदा उठा लो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे मेक द मोस्ट ऑफ योर टैलेंट, यानी अपनी हुनर का फायदा उठा लो। अगर आपको कहना हो उसकी मजबूरी का फायदा मत उठाओ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डोंट मेक द मोस्ट ऑफ हिज हेल्पलेसनेस, यानी उसकी मजबूरी का फायदा मत उठाओ, मेरी कमजोरी का फायदा मत उठाओ। डोंट मेक द मोस्ट ऑफ माई वीकनेस, उसकी मासूमियत का फायदा मत उठाओ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डोंट मेक द मोस्ट ऑफ हिज इनोसेंस, यानी उसकी मासूमियत का फायदा मत उठाओ। अगर आपको कहना हो उसकी बेवकूफी का फायदा मत उठाओ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डोंट मेक द मोस्ट ऑफ हिज फुलिशनेस, यानी उसकी बेवकूफी का फायदा मत उठाओ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं किसी चीज का फायदा उठा लो या किसी चीज का फायदा मत उठाओ को बोलने के लिए आप इन टॉपिक्स का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। अगर वाकई आपको यह टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया, तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।